हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द शीशा किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, आज मैं उन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे करते हैं, और सारे क्वेश्चन हुक्के से रिलेटेड हैं, कुछ अलग हैं। मैं कोशिश करूंगा, और इस तरीके के क्वेश्चनों के आंसर की वीडियो हमने पहले भी बनाई है, मैं आप सबके सवालों के जवाब देता रहता हूं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सवालों के जवाब देने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो चुके हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, और एक्चुअल में मन भी नहीं करता यार, कोई इतना खास रिस्पांस मिलता नहीं है, तो मेरा वैसे भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन अब आप सबकी रिक्वेस्ट है तो बनाना पड़ेगा, आप सबके सवाल हैं तो जवाब देने पड़ेंगे। तो चलिए हम पहला पिक करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन है, नोएडा में हुक्का सेल करना लीगल है? और लीगल है तो क्या आप होलसेल रेट पर दोगे हुक्का? नोएडा क्या आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर हुक्का सेल करना लीगल है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गवर्नमेंट के कुछ कंडीशन है वो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल लीगल है, और हम होलसेल नहीं करते, होलसेल हमने बंद कर दिया, हाथ जोड़ दिया है। और अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल फ्लेवर पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन कभी ट्राई किया है मिक्स करके? बिल्कुल किया है, पाइनएप्पल वाटरमेलन जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, अच्छा बनता है ट्रॉपिकल वाटरमेलन, वाटर बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन अगर हम इसमें बाहर के उसमें देखें तो इसमें कूलेंट मिक्स होता है, इंडिया के अंदर स्प्रिंग वाटर पान मिला सकते हैं, मिंट मिला सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट हुक्का अंडर 1200। तो 1200 के अंदर मुझे ऐसा लगता है माया पिटाइट मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए। अगर 1000 से 1500 का अगर आपका बजट है तो माया का पिटाइट बहुत बढ़िया है, इससे नीचे मत लेना कुछ। कहीं आप पान वाली दुकान पे जाके कोई हुक्का बाय करें, यकीन मानिए एक हफ्ते के अंदर अंदर उस हुक्के को डस्टबिन में डाल देंगे आप, या अपना बजट बढ़ा लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया होलसेल का बिजनेस बढ़ाना है, मुझे हुक्के का कोई एडवाइस? यार होलसेल का बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं क्या एडवाइस दूँ, मैं तो इतनी एडवाइस दूंगा कि आप प्रोडक्ट ऐसे रखिए जिनमें जान हो। मेरा मानना यह है कि 3 तरीके के बिजनेसमैन होते हैं इस पृथ्वी पे, एक जो जुबान का खाते हैं, मतलब जुबान का बिजनेस करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं कस्टमर से और मैनिपुलेट कर देते हैं कस्टमर को अपना सामान देने के लिए। सेकंड बिजनेसमैन होता है जो जगह का खाते हैं, उनको जगह ऐसी मिली होती है कि वो वहाँ पे मूंगफली की रेड़ी भी लगा ले तो भी बिक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाइन शॉप के नज़दीक में कोई भी बिस्कुट नमकीन और वो स्नैक्स की दुकान खोलेंगे तो लाइन लगी रहेगी, वही अगर आप अपने नियर बाई सेम वही चिप्स सेम वही स्नैक्स अगर आपके घर वाली नज़दीक दुकान पे मिल रहा होगा तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जगह ही ज़बरदस्त है। और तीसरे बिजनेसमैन होते हैं जो नसीब का कमाते हैं, उनका नसीब इतना अच्छा होता है बाय बर्थ, या उन्होंने कुछ ऐसे काम करे हुए होते हैं कि उनके नसीब से उनके कस्टमर आते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो अपने प्रोडक्ट में, अपने माल में जान रखिए, यूनिक आइटम रखिए। अगर वही आइटम रख रहे हैं जो आपके नियर बाई 100, 200, 500 या 2-4 किलोमीटर के नियर बाई शॉप पे मिल रहा है तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे? तो कोई यूनिक आइटम रखिए, और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अपनी शॉप पे 200-400 रुपये के हुक्के रखते हैं तो आप ज़िंदगी भर 200-400 रुपये के हुक्के के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। आप 3000 का हुक्का सेल करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, और अगर आप प्रीमियम हुक्के रखेंगे तो आपको 100-200 के हुक्के सेल करने भारी हो जाएंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा एज अ ब्रदर के प्रीमियम हुक्के सेल करिए, उसमें आपका क्लाइंट प्रीमियम में होगा, वहीं आप 100-200-400 रुपये का हुक्का रखते हैं तो आपका क्लाइंट भी उसी तरीके का होगा, जो आते बोलेगा भाई है गया।
जोक्स अपार्ट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है ब्रो, आपकी एज? मेरी एज यार मुझे नहीं पता, 34 होगी। मेरा डेट ऑफ ईयर है, डेट ऑफ बर्थ जो है मेरा वो है 30 अप्रैल 1988, तो 88 से आप काउंट कर लीजिएगा कितनी होगी, 34-35 होगी। भैया आजकल वीडियो इतने कम क्यों डालते हो? सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ और अभी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है मेरे, चल रहा था, अभी कुछ चलेगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। शायद मेरा यूट्यूब का चैनल जो है मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीज हो गया, या भगवान जाने। पुरानी वीडियो पे लाइक्स आ रहे हैं, पुरानी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वजह से चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर मन भी नहीं करता है। भैया भाई एज अ होल सेलर किस ब्रांड में इन्वेस्ट करूं? देखो यार, ब्रांड अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर है वो माया है, उसके बाद अभी कोकोया है, अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद पॉपुलर हो गया है। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, दो कंपनी ऐसी हैं कि आप इनके प्रोडक्ट रखेंगे तो बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं, लेकिन इनमें मार्जिन कम होता है और वो आपको देखना है कि लो मार्जिन पे आप काम कर सकते हैं, अपनी दुकान का किराया या आप अपने बिजली का बिल वो सारी चीज़ मैनेज कम कर सकते हैं, कम प्रॉफिट में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान में थर्ड ऑप्शन जो है वो चाइनीज़ हुक्के हैं। चाइनीज़ हुक्कों की मार्केट बहुत बड़ी है, जिनको लोग रशियन हुक्के बता के बेच रहे हैं, इजिप्शियन बता के बेच रहे हैं, तो चाइनीज़ हुक्के सेल करिए आप उनको, आपकी मर्जी है, चाइनीज़ रशियन बोलिए, चाइनीज निंजा बोलिए, जो आपका मन करे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल फ्लेवर बताओ कौन से हैं बढ़िया? देखो यार हर्बल फ्लेवर में फिलहाल इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा, जिस दिन आएगा उस दिन हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले मुफासा के सेल कर रहे थे, वो अच्छे फ्लेवर हैं, अगर वो आपको कहीं मिल जाते हैं तो मुफासा के हर्बल पी सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई अफजल मिक्सिंग बताओ बढ़िया? यार मुझे अफजल के पान रास के अलावा और कोई फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। अब पान रास में मैं आपको क्या मिक्सिंग बताऊं? वो आलू है यार, पान रास जो है, पान जो है वो आलू है, वो किसी के साथ भी मिक्स करो, और मैं कोई फ्लेवर ना मैंने ट्राई किए ना मैं करना चाहता। भाई हमारे देश में बहुत टैलेंट है तो यहाँ ऑडियोमन यूनियन अल्फा के शीशा की अच्छी मास्टर कॉपी क्यों नहीं? टैलेंट का और कंपनी की मास्टर कॉपी से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। टैलेंट वो होता है कि यार मतलब ओके के अंदर कुछ कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, टैलेंट वो हो गया, और एक मास्टर कॉपी अलग चीज़ होगी। और मास्टर कॉपी यूनियन आर्गुमेंट की भी आती है, बेसबॉल आता है, एक और मॉडल आता है, अच्छी कॉपी आती है, अल्फा की तो बहुत अच्छी कॉपी आती है, उसमें रेडियम भी आती है, अल्फा एक्स की सबसे बढ़िया कॉपी आती है, और ऑडियोमन की तो कॉपी को क्या बोलूँ यार, मेरे को ऑडियोमन नहीं समझ आता है, लेकिन ऑडियोमन की कॉपी भी आती है। तो ये आपका नॉलेज थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए मार्केट को, बहुत बड़ी दुनिया है यार, इंडिया में बहुत बेची, हमने खुद बेची है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश का मौसम चालू हुआ है, कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो मस्त चिल कर दे? देखो यार चिल करने के लिए गर्मी चाहिए, अगर बारिश है तो फ्रूटी फ्लेवर पियो, चिल होना चाहते हैं तो सर गर्मियों में पियो, मई से लेके जून तक का बढ़िया मौसम है, जुलाई तक का बढ़िया ठंडे फ्लेवर पियो, पान मिक्स ब्रेन फ्री सॉरी स्प्रिंग वाटर मिक्स, पान की बहुत सारी फॉर्म आती है, रॉयल पान, सुपारी, रॉयल गोल्ड, इतने फ्लेवर आते हैं, ये गर्मी में यूज़ करो। लेकिन जब भी कभी बारिश हो तो जैसे मौसम रोमांटिक हो जाता है, तो रोमांटिक मौसम के अंदर आप एक ठंडा फ्लेवर पियोगे मुझे ऐसा लगता है काम खराब हो जाएगा, फ्रूटी फ्लेवर पियो, टैंगी फ्लेवर पियो, मज़ा आएगा, कॉम्बिनेशन बहुत सारी हैं यार, वीडियो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फुमारी स्टार बस या टेंजरीन जैसे फ्लेवर सेल करने का कोई प्लान? देखो यार मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी बोलता हूँ कि मुझे इनको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको इंपोर्ट कराना पड़ता है, और इंपोर्ट कराने के बाद ये बहुत महंगे हो जाते हैं, एक आम आदमी के बजट से बाहर हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अदल्या किसी टाइम पे 500-600 रुपये का 50 ग्राम सेल हो रहा था, वो इंपोर्ट करना पड़ रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी, और इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। तो वो एट द एंड कस्टमर तक पहुंचते उसमें इंपोर्टर का मार्जिन है, उसमें होलसेलर का मार्जिन है, उसमें रिटेलर का मार्जिन है, वो सारी चीज़ करते करते एट द एंड कस्टमर के हाथ में वो इतना महंगा पहुँचता है 500-600 रुपये का एक अदल्या, जो कि
टर्की का अल्फकर है। अदल्या और अल्फकर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्या इंटरनेशनल है तो लोगों के दिमाग में इमेज आती है कि भैया अच्छा ही होगा, लेकिन वो इंपोर्ट करने पे महंगा पड़ जाता है। अब अदल्या ऑफिशियली इंडिया में आया तो 250-250 रुपए का बिक रहा है ना। ऐसे ही जब ये फुमारी स्टारबक्स जब ये ऑफिशियल आ जाएंगे, जब इंडियन मार्केट मैच्योर होगी, अभी इतनी मैच्योर नहीं है, गिनती के 100-200 लोग हैं जो अच्छे ब्रांड के फ्लेवर पीना चाहते हैं, जो पी चुके हैं ऑलरेडी बाहर की कंट्रियों में, उनको इंडिया में चाहिए होता है तो वो किसी भी कॉस्ट पे लेने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो जो मैक्सिमम मार्केट है वो अभी इतनी मैच्योर नहीं है, वो आज भी बनवाड़ी के पास जाके बोलते हैं 70 रुपये वाला फ्लेवर देना भैया जी। तो जब ये ऑफिशियल आ जाएगा, जब सस्ते रेट पे आ जाएगा, मैं जरूर सेल करूंगा। फिलहाल ना तो मेरे को इनको इंपोर्ट करने में कोई इंटरेस्ट है, ना कोई इनको सेल करने में इंटरेस्ट है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की चिलम यूज करने के बाद भी फर्स्ट पेयर ऑफ कोकोनट कॉल में ही फ्लेवर जल जाता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, जो हमारी चिलम होती है वो डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पे उसको पकाया गया है, कितने टेम्परेचर पे वो हीट है। कई बार कच्ची चिलमें होती हैं तो उसमें वो मिट्टी जो है ओवर हीट हो जाती है, उस वजह से होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब भी कभी, एक प्रो टिप दे रहा हूँ आपको, जब भी कभी आप मिट्टी की चिलम यूज़ करें तो उसको या तो गैस पे रख के थोड़ा सा पका लीजिए, या उसको 2-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए, जिससे वो पानी अब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा बहुत जो उसकी स्मेल है वो चली जाए और थोड़ा सा पक जाए वो, उसके बाद यूज़ करिए, नहीं होगा सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया कौन से फ्लेवर के साथ कौन सा लिक्विड बेस फ्लेवर में यूज़ करना चाहिए? देखो यार, फ्रूटी फ्लेवर यूज़ कर रहे हो तो अपोजिट रखो हमेशा, ये मैं हमेशा बोल चुका हूँ, शायद आप न्यू हमसे जुड़े हैं, हमेशा अपोजिट रखना चाहिए। अगर आप ब्लूबेरी की चिलम बना रहे हैं तो नीचे बेस आप मिंट का रखिए, बेस आप कोई भी ठंडा रखिए, या ब्लूबेरी के साथ कोई टैंगी बेस बना के रखिए, अपोजिट रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया मेरे यहाँ सिर्फ अफजल के फ्लेवर ही मिलते हैं, तो कोई ठंडी सी अफजल फ्लेवर की मिक्सिंग बता दो। इसका जवाब आपको मिल गया होगा, मैं पान रास के अलावा मुझे अफजल का कोई और नहीं समझ आता है। हो सकता है अभी इन्होंने रिसेंट कोई अच्छे फ्लेवर निकाले हो, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किए। जब मैं ट्राई करूंगा मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। फिलहाल अफजल के पान रास के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और अफजल का पान रास आलू है, किसी के साथ भी मिक्स करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बेस लिक्विड कौन से फ्लेवर के साथ सही रहेगा? ये आप समझ गए होंगे, अपोजिट रखिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जवाब दिया है, सर नीड टू मेक वीडियो अबाउट वेरियस बेस लिक्विड, वाटर वर्सेस जूस वर्सेस कोक वर्सेस रेडबुल। यार देखो, मैंने वाटर के साथ बनाई हुई है, मैंने जूस के साथ वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, कोक और जो भी ये सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं जिनके अंदर सोडा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ सोडा कभी भी बेस में यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी बॉडी किस तरीके से बनाई है भगवान ने, लेकिन मैं जब कोई भी उसमें कोक मिरिंडा या कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ तो मेरे सर में इतना तेज दर्द हो जाता है, माइग्रेन का दर्द भी शायद कुछ ना हो, तो मुझे नहीं समझ आता है। सोडा जो होता है ना वो सर पे चढ़ता है, जब हम उसको इनहेल करेंगे ना तो उसका जो कैसे समझाऊँ मैं, आप रेडबुल के साथ आपको बेस मिल जाएगा, हमारे रेडबुल बेस वीडियो मिल जाएगी, वाटर बेस जूस बेस मिल जाएगी, आइसक्रीम बेस भी मिल जाएगी, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो आप प्लीज वीडियो जाके देखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूबेरी के साथ की कोई बेस्ट ठंडी और स्मूथ मिक्सिंग? ब्लूबेरी के साथ यार बहुत सारी वीडियो है, आप यूट्यूब पे देखिए, हमारे बहुत सारी वीडियो है। ब्लूबेरी से कमिश्नर बनता है, ब्लूबेरी पान मिंट में यूज कर सकते हैं, ब्लूबेरी के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आपको। तो ये मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने पिक कर रखे थे, वीडियो नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं लग रहा था, तो आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश की है। और आगे जो भाइयों के क्वेश्चन रह गए हैं वो एक बार और हम इंस्टाग्राम पे एक बार Q&A सेशन रखेंगे, वहाँ पे आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारा काम काम का लगता है और वीडियो देखने के बाद ये ना लगा हो कि आपका वक्त बर्बाद हो गया, तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।
हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।